सब्सक्राइब कीजिए डीजी कौशिक चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। Hey guys, this is Kaushik here and once again welcome to my channel। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे कोई भी Xiaomi का फोन में या तो कोई भी Android फोन में without root Dolby Atmos Equalizer को इंस्टॉल कर सकते हैं। और सिर्फ Equalizer का प्री इंस्टॉल सेटिंग ही नहीं, आपको Dolby Atmos का फुल कंट्रोल भी मिलेगा। If you don't know what is Dolby Atmos, so simply Dolby Atmos is one of the best equalizer। बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो चलिए देखते हैं आप कैसे Dolby Atmos पे इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी Android फोन में without root। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कौशिक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ चीज़ बताना जरूरी है, आप अगर YouTube में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा जो कि आप बिना रूट किए बिना TWRP से सिर्फ एक ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और आपको Dolby Atmos मिल जाएगा। तो दोस्तों वो Dolby Atmos नहीं है, वो है Dolby Digital, दोनों अलग अलग वर्षन है। इसके अलावा भी Dolby Cinema है, Dolby True HD है, Dolby Digital Plus है, Dolby Digital EX है, Dolby Digital Surround है, Dolby Digital 3D है, ऐसा ही बहुत सारे अलग अलग वर्सन है Dolby का। और ये सारे वर्सन के अंदर भी और भी अलग अलग वर्सन होता है। और ये जो Dolby Digital का एप्स है इसको अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको कोई भी मैनुअल सेटिंग विद फुल कंट्रोल नहीं मिलेगा, जैसे कि आपको Dolby Atmos में मिलेगा। और अभी कुछ फ़ोन में जो Dolby आता है वो Dolby Atmos का वर्सन है, वो Dolby Digital नहीं है। Dolby Digital में आपको सिर्फ कुछ प्रीसेट इक्वलाइजर ही मिलेगा और वो भी लिमिटेड म्यूजिक प्लेयर के लिए ही सपोर्टेड है और सभी फ़ोन में वो वर्क भी नहीं करता है। और ये Dolby का Dolby Digital वर्सन को बनाया गया है हाई एंड कुछ DVD प्लेयर विद 5.1 सराउंडिंग सिस्टम के लिए, जैसे कि ये सोनी का सैमसंग का कुछ हाई एंड होम थिएटर में देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो भी है, पहले आपको Dolby Atmos को इंस्टॉल करने के लिए रिक्वायरमेंट के बारे में बताया था, आपका फोन में बूटलोडर अनलॉक्ड होना चाहिए क्योंकि Dolby Atmos को हम TWRP कस्टम रिकवरी मोड से फ्लैश करेंगे। तो सिर्फ आपका फोन में बूटलोडर अनलॉक्ड होना चाहिए एंड TWRP कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं ये सब कैसे करते हैं और अगर आपका कोई भी Xiaomi का फोन है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको बूटलोडर अनलॉक करने के लिए एंड TWRP कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड का वीडियो मिल जाएगा। और दोस्तों आपका फोन रूटेड होना जरूरी नहीं है, अगर रूट नहीं भी होगा तो भी आप TWRP रिकवरी से Dolby Atmos को इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बोलते हैं TWRP कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करना मतलब रूट हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बूटलोडर अलग चीज़ होता है, TWRP कस्टम रिकवरी अलग चीज़ होता है और रूट करना अलग चीज़ होता है। मैं इस चीज़ को लेकर आगे एक वीडियो बना दूंगा। और राइट, अभी दोस्तों आपको Dolby Atmos का जीप फाइल को डाउनलोड करना है। Dolby Atmos फाइल का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके इंटरनल स्टोरेज या तो SD कार्ड में रख दीजिए। देन अभी आप फोन का पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखिए और TWRP कस्टम रिकवरी मोड को ओपन कर लीजिए। अभी सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और आप जहाँ पे Dolby Atmos का जिप फाइल को रखा है वहाँ से उसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे स्वाइप टू इंस्टॉल ऑप्शन पे स्वाइप कर दीजिए। बस दोस्तों यहाँ पे भी इंस्टॉलेशन हो रहा है और दोस्तों यहाँ पे अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। और अभी यहाँ पे आप रिबूट नाउ ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से डू नॉट इंस्टॉल का ऊपर क्लिक कीजिए तो आपका फोन एक बार रिबूट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मेरा फोन रिबूट हो गया है और यहाँ पे मेरा फोन में Dolby Atmos भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो चलिए आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले एक गाना प्ले कर लेता हूँ और अभी Dolby Atmos को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे साउंड इक्वलाइजर चेंज हो रहा है और आपको यहाँ पे Dolby Atmos का फुल कंट्रोल भी मिल रहा है। तो ऐसे ही आप कोई भी Xiaomi का फोन में या तो कोई भी Android फोन में आप Dolby Atmos को इंस्टॉल कर सकते हैं विद Dolby Atmos का फुल कंट्रोल। तो बस दोस्तों अभी एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो वंस अगेन दिस इज कौशिक हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय।